संबोधित कर रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरण और बाढ़ बचाव के भी कार्यों के निरीक्षण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में जल शक्ति श्री विजय कुमार दुबे जी, लोकप्रिय विधायक श्री विवेकानंद पांडे जी, मान्य विधायक गण श्री मोहन वर्मा जी, सुरेंद्र कुशवाहा जी, मनीष जायसवाल जी, असीम कुमार राय जी, विनय कुमार गौड़ जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जायसवाल जी, बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री दुर्गेश राय जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद कुशीनगर के नारायणी नदी के उस पार जो गांव स्थित है श्री वहां पर शिवपुर, नारायणपुरा, मरचावा, बसंतपुर, हरिहरपुर, अन्य प्रभावित गांवों के सभी हमारे नागरिकगण उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे भैंसाह चितौना तटबंध पर बाढ़ बचाव के लिए किए गए उपायों का निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रदेश में पिछले 7 वर्ष के अंदर समय पर बाढ़ बचाव के उपाय प्रारंभ करने का परिणाम है कि बड़े पैमाने पर बाढ़ बचाव के हुए कार्यों के कारण जनधन की हानि को रोकने में मदद मिली। अकेले कुशीनगर जनपद के अंदर नारायणी और गंडक नदी, अन्य सहायक नदियों पर भी बाढ़ बचाव के जो उपाय हुए हैं इन पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च करके पिछले 7 वर्ष के अंदर बाढ़ बचाव के प्रभावी उपाय किए गए, जिससे न केवल हजारों हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाव करने में मदद मिली अपितु 3 लाख से अधिक आबादी को बाढ़ से बचाने में भी मदद मिली। और आज इसी का परिणाम है कि न केवल हम लोग यहां पर सुरक्षित हैं, निश्चिंत हैं, बल्कि प्रदेश के अन्य जनपदों में भी इस पर कार्य हुआ है। आप देखते होंगे ये तो पहाड़ की एकदम तलहटी है, नदी का करंट बहुत तेज है, तब भी यहां पर बाढ़ बचाव से काफी राहत होती है। याद करिए आज से 7 वर्ष पहले यहां पर भैंसाह छितौनी तटबंध को लेकर के नारायणी नदी में बाढ़ बचाव के कार्यों को लेकर के सिंचाई विभाग के जो अभियंता कार्य करते थे उनकी निर्मम हत्या होती थी, माफिया हावी थे,
जंगल पार्टी के कारण इस पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल होता था। सूर्यास्त के बाद लोग इधर से आना जाना बंद कर देते थे। आज आतंक समाप्त, अराजकता समाप्त, गुंडागिर्दी समाप्त, बाढ़ बचाव के लिए किए गए उपायों का परिणाम है बाढ़ में लोगों को राहत मिल रही है। और कुशीनगर जनपद तो इसलिए भी आवश्यक था कि महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली होने के साथ साथ दुनिया शांति, मैत्री और करुणा की इस पावन भूमि के रूप में कुशीनगर को देखती है। दुनिया भर के लोग आज कुशीनगर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और कुशीनगर को दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए ही सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं आज वह मूर्त रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज कुशीनगर में याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले नौकी बीमारी से, इंसेफ्लाइटिस और मस्तिष्क ज्वर से सबसे अधिक बच्चे प्रभावित होते थे, पीड़ित होते थे। आज बीमारी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अब तो कुशीनगर में कुशीनगर वासियों का अपना मेडिकल कॉलेज भी हो गया है, तो मेडिकल कॉलेज के लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। कृषि यहां की आजीविका का मुख्य केंद्र है, यहां की आजीविका का मुख्य आवश्यकता है और इसीलिए कृषि की आधुनिक तकनीक यहां के लोगों को मिल सके, शोध और विकास की नई संभावनाओं को आगे बढ़ा सके, इसके लिए हमने प्रदेश का एक नया कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर जनपद को उपलब्ध करवाया है और उसका शिलान्यास होकर के कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। दुनिया भर के लोग यहां आ सके और यहां के लोग भी देश और दुनिया में जा सके, इसके लिए यहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी कुशीनगर में कर दिया गया है। कुशीनगर की सड़कें याद करिए, इससे पहले कैसी थी, क्या हाल हुआ करते थे, पता ही नहीं लगता था कि सड़क है या गड्ढा है, सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, पता ही नहीं लगता था। आज आपके यहां सड़क कितनी चमचमाती हुई, सड़कें सभी ओर से जोड़ती हुई दिखाई देती हैं। ये विकास के उन मानकों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है जो यहां की आवश्यकता थी। और इसीलिए लगभग 600 करोड़ रुपए की बाढ़ बचाव के कार्य आज दिखाई देते हैं। बोल्डर से पिचिंग होती है, बकायदा यहां पर कटाव निरोधक ऐसे उपाय किए जाते हैं जिसके कारण यहां के लोगों को छितौनी तटबंध के से ग्राम भैंसा तक निर्मित जो स्पर है उनको बचाव करने से इस क्षेत्र में अकेले 83 गांवों की 1,16,000 से अधिक आबादी और लगभग 20,000 हेक्टेयर भूमि, कृषि भूमि सुरक्षित हुई है। और इससे हमें बाढ़ बचाव के साथ इसका लाभ भी प्राप्त हुआ है। यहां पर आपने देखा होगा अभी 7 से 9 जुलाई के बीच जब नेपाल में भारी बरसात हुई थी, अकेले गंडक नदी में, नारायणी में लगभग 4.5 लाख क्यूसिक वाटर, यानी सामान्य दिनों में जो पानी इस नदी में रहता है उसकी मात्रा होती है 15 से 12 से लेके 20,000 क्यूसिक वाटर में, लेकिन 7 से 9 जुलाई के बीच जो पानी यहां से प्रवाहित हुआ है उसकी मात्रा थी 4.5 लाख क्यूसिक वाटर और तब भी तटबंध सुरक्षित हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि कार्य सही हुआ है, सार्थक हुआ है, उसका लाभ प्राप्त हुआ है। 83 गांवों की लाखों की आबादी उससे लाभान्वित हुई है और इसीलिए जो उस पार के गांव हैं, जिन
जिन गांवों के बारे में यहाँ के सांसद जी ने भी और यहाँ के विधायक जी ने भी चिंता व्यक्त की है कि नारणी नदी में एक पक्का पुल बनना चाहिए जिससे शिवपुर, नारायणपुरा, मरचवा, बसंतपुर, हरिहरपुर और महाराजगंज के भी 5-7 गांव सोही बरवा के वहां पढ़ते हैं, इन सभी गांवों को लेकर के अगर हम देखेंगे लगभग 1 दर्जन बड़े गांव, लगभग 15,000 से 20,000 की आबादी वहां निवास करती है, उन लोगों के लिए आवागमन के लिए मैं यहाँ के प्रशासन से भी कहूंगा, मंडलायुक्त है वह भी इस बात को देखेंगे। एक बार पीएम गति शक्ति के माध्यम से इस बात को देखें कि कौन सा लोकेशन सही हो जहां पर ब्रिज अच्छा बने, सुरक्षित बने और लोगों के आवागमन को भी सुरक्षित कर सके। एक पक्का पुल का निर्माण आने जाने वाले लोगों के लिए वहां पर करवाने की तैयारी हमारी प्रारंभ होनी चाहिए। सर्वे के कार्य अभी से प्रारंभ हो जाए, बरसात समाप्त होने के बाद पानी जैसे कम हो कार्य प्रारंभ हो जाए, इसकी तैयारी हमें अभी से प्रारंभ करनी चाहिए। बाढ़ बचाव के प्रभावी उपाय को आगे बढ़ाने का कार्य हमें करना चाहिए और छितौनी भैंसा तटबंध के पिच के कार्य को भी प्राथमिकता के आधार पर सिंचाई विभाग के लोग आगे बढ़ा करके इस पूरे क्षेत्र को बाढ़ बचाव की एक स्थायी समस्या का समाधान और आवागमन के लिए लोगों के लिए सुविधा हो सके ये हम प्रावधान कर सके। बहनों और भाइयों, सरकार संकट के समय आपके साथ है, आपके सुख में आपके साथ सुखी होना चाहती है, लेकिन आपको कहीं दुख ना उठाना पड़े सरकार इसके लिए समय से अपना उपाय प्रारंभ करती है, लेकिन फिर भी अगर कहीं से कोई ऐसी आपदा आती है उस आपदा से निपटने के लिए भी सरकार प्रभावी उपाय करती है। और आज उसी उपाय के क्रम में मैं आपके बीच में यहाँ पर जल शक्ति मंत्री, यहाँ के माननीय सांसद, यहाँ के सभी माननीय विधायकों के साथ आज फिर मैं आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूँ कि डबल इंजन की जो सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, पूरे देश के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, इन कार्यों को आज गरीबों को लाभ प्राप्त हो रहा है। याद करिए, ये जनपद मुसहर जाति से जुड़े हुए लोगों का एक बड़ी आबादी यहां रहती थी, आवास नहीं थे, राशन कार्ड नहीं थे, हमने उनको जमीन का पट्टा भी दिया, आवास भी दिया और राशन कार्ड भी उपलब्ध करवाने के साथ साथ आयुष्मान भारत के कार्ड भी उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और भी अन्य कार्य, विकास के जो कार्य होने, सड़क के साथ साथ बिजली देने का कार्य या अन्य जो भी उपाय हो सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग जन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, ये सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के हुए हैं। और मैं आज के इस अवसर पर आपको इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा, आने वाले समय में कहीं कोई परेशानी न हो इसके लिए हम लोग आपकी समस्या के समाधान के लिए, जनपद के विकास के लिए, गांव, गरीब, किसान और नौजवान के साथ ये डबल इंजन की सरकार खड़ी होकर के आपके हितों का संवर्धन करेगी। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर से बाढ़ से पीड़ित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, उन्हें आश्वस्त करता हूं, सरकार आपके साथ खड़ी है, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारा प्रशासन, सिंचाई विभाग के लोग आपके साथ खड़े होकर के आपको हर संभव मदद करेंगे और जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी आपको सरकार की पूरी मदद मिलेगी। आपके प्रति मेरी पूरी संवेदना है, आपको हर संभव सहयोग के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सहायता के लिए 2400 घंटे प्रशासन और शासन तैयार रहेगा, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।